आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आयुषी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लौकी यानी कि घिया की सब्जी बनाएंगे और इसे हम मंगोड़ी के साथ बनाने वाले हैं। इस तरह से ये जिन्हें लौकी खाना पसंद नहीं है उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो लौकी ली है और इसे अच्छे से धोने के बाद छील लिया। अब हम इसे काटेंगे। इसके लिए इसे बीच में से इस तरह से काट कर दो हिस्से कर लेंगे, फिर इसे बीच में से स्लिट करके इस तरह से बराबर हिस्से करते हुए छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप कोई भी सब्जी बनाएं, कोशिश करें कि उसे सेम साइज के पीसेस में काटें, इससे सब्जी एक सार पकती है। लौकी को काटने के बाद साइड में रख देंगे और बाकी की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसे छीलने के बाद धो लिया। इसे हम छोटे पीसेस में काट लेंगे। दो हरी मिर्ची ली हैं, इन्हें बीच में से स्लेट कर लेंगे। आप चाहें तो इनके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। ये तीन कली लहसुन लिया है। लहसुन काफ़ी मोटा था इसलिए मैंने कम लिया है। अगर आपके पास बारीक लहसुन है तो 7-8 कली ले लें और उसका पेस्ट बना लें। दो टमाटर लिए हैं। मैं टमाटर को छिलका उतार कर यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने इस पर क्रॉस का निशान लगा लिया है। अब हम इसे गैस की फ्लेम पर हल्का सा सेक लेंगे, इससे इनका छिलका ईजिली उतर जाता है। आप टमाटर को अपनी चॉइस के हिसाब से छिलका उतार कर या छिलके के साथ काट लें। और ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। लहसुन को क्रश करके मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। मैं इसमें 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका थिक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से मसालों का पेस्ट बनाकर डालने से सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और मसाले जलते भी नहीं हैं। अब इसे भी साइड में रख देंगे और एक कटोरी में लगभग 50 से 60 ग्राम मंगोड़ी लेंगे। मैंने यहाँ पर जो मंगोड़ी ली है वो बिल्कुल कम मसाले की हैं। मार्केट में मसाले वाली मंगोड़ी भी मिलती हैं, तो आप जो भी मंगोड़ी ले रहे हैं सब्ज़ी में मसाला उसी के हिसाब से डालें। अब हम इन्हें 2-3 पीसेस में तोड़कर छोटा कर लेंगे क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी में ये फूल जाती हैं और इनका साइज़ डबल हो जाता है। मैंने सारी मंगोड़ी के पीसेस कर लिए हैं और सब्ज़ी की बाकी तैयारी भी हो गई है। अब हम गैस पे एक प्रेशर कुकर रखेंगे और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी चॉइस का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून जीरा डालकर इसे तड़कने देंगे। अगर आप सब्जियों में खड़ा गरम मसाला पसंद करते हैं तो इस वक्त 1 तेज़पत्ता और 1 टुकड़ा दालचीनी का डालकर इन्हें भी साथ में भून लें। मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। अब हम इसे कुछ सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे और लगभग 15 से 20 सेकंड के बाद हम इसमें मंगोड़ी डाल देंगे और लो फ्लेम पर इन्हें हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। इस तरह से ये प्याज के साथ ही अच्छे से भून जाएंगी और सब्जी में भुनी हुई मंगोड़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप मंगोड़ी को भूनते हुए लगातार चलाते रहें ताकि मंगोड़ी जले नहीं। देखिए मंगोड़ी का कलर बढ़िया सा ब्राउन हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमने जो पेस्ट बनाकर रखा था ना वो इसमें डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट फिर से भून लेंगे। आप लौकी की सब्ज़ी एक बार इस तरह से मंगोड़ी के साथ ज़रूर बनाकर देखें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इन्हें सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। मैंने यहाँ पर टमाटर को काट कर यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीसकर इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अब साथ ही इसमें हरी मिर्ची भी डाल देंगे और इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। मसाला बढ़िया से भुन गया है और इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया। अब हम इसमें लौकी डालेंगे और इसे 2-3 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। इसे सब्ज़ी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अभी हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, इसे ड्राई रोस्ट ही करना है। अगर हम अकेली लौकी की सब्ज़ी बनाते तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालते क्योंकि लौकी अपना पानी रिलीज़ कर देती है, लेकिन हमने इसमें मंगोड़ी भी डाली है इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं इसमें लगभग 1/2 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी थिक चाहिए और लौकी भी अपना थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगी, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल दें। पानी डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे और कुकर के लिड लगा देंगे। अब हमें इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 2 विसल आने तक पकाना है। 2 विसल आने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसकी स्टीम अपने आप रिलीज़ होने देंगे।
कुकर में 2 सीटी आने के बाद मैंने इसकी फ्लेम को बंद कर दिया था और इसकी स्टीम को अपने आप निकलने दिया। अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। सब्ज़ी देखने से बिल्कुल पकी हुई लग रही है, फिर भी हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया से पक गई है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अब लास्ट में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अगर आपको गरम मसाला पसंद है तो इस वक्त इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी डाल दें और इसे मिला दें। इस तरह से लौकी और मंगोड़ी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।